सो हे गाइस, क्रेजी गेमर इज बैक अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और गाइस, आज का ये वाला गेम प्ले भाई बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और गाइस, इस गेम प्ले में भाई 30 स्किल करने के लिए मैंने पूरी कोशिश करी थी, लेकिन यार वहाँ पे हमारे इस गेम में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, इसके कारण हम लोग भाई इस गेम में 30 किल नहीं कर पाते। लेकिन भाई आज का ये वाला गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अब मैं गेम प्ले में आगे बढ़ूँ उससे पहले गाइस हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट अपने स्पॉन्सर के बारे में। सो गाइस, इस ऐप का नाम है नूब गेमर्स गेम्स क्रेडिट। और गाइस, इस ऐप की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोग प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हो, तो आप लोग को ये अवेलेबल मिल जाएगा। गाइस, इस ऐप से आप लोग भाई यूसी परचेस कर सकते हो। वो कैसे परचेस कर सकते हो आप लोग, अभी मैं आप लोग को बताता। सबसे पहले आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। इसको जैसे इंस्टॉल करोगे तो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस आ जाएगा। तो यहां से आप लोग पबजी मोबाइल, पबजी मोबाइल लाइट की भी यूसी परचेस कर सकते हो, बीसी वगैरह। तो यहां पे आप लोग पबजी मोबाइल मिल जाएगा, तो आप लोग उस पर क्लिक कर देना। और अगर आप लोग कैरेक्टर आईटी से परचेस करना चाहते हो तो आप लोग इस पर क्लिक कर सकते हो। और आप लोग जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने भाई पैक्स आ जाएंगे, आप लोग कौन से यूसी परचेस करना चाहते हो, कितने रुपए की। अगर आप लोग रॉयल पास परचेस करना चाहते हो तो वो भी आप लोग को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। और अगर तो आप लोग भाई यूसी परचेस करने में आप लोग को कोई भी दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे आप लोग को राइट कॉर्नर में नीचे की तरफ आप लोग को एक ऐसा निशान मिलेगा, तो आप लोग उस पर जब क्लिक करोगे तो आप लोग इनसे जो है डायरेक्टली बात भी कर सकते हो। तो जाओ यार, डाउनलोड करो नूब गेमर्स गेम्स क्रेडिट को, लिंक मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन में देके रखी है। अब गन वगैरह लूट के मैं आगे की तरफ जाने लगता हूँ, लेकिन तभी मुझे सामने की तरफ एक बंदा कूदता हुआ दिखता है। तो अब देखो इसको कैसे पहलते हैं जरा। अब इस बंदे को मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, लेकिन भाई मेरी जो यूएमपी रहती है वो रीलोड चली जाती है। और ये बंदा भाई काफी भागने की कोशिश करता है, क्योंकि इस बंदे के पास में कोई गन नहीं थी, शॉर्ट गन थी, इसलिए ये बंदा जो है मेरे से डर के मारे भाग रहा था। लेकिन यार इस बंदे की तो हम लोग ने पेटी बना दी। लेकिन यहाँ पे अभी इसके टीममेट भी कुछ आगे की तरफ है, तो उनको लूट वगैरह नहीं मिली है। लेकिन यार यहाँ पे मेरी ईएमपी की एमओ खत्म हो जाती है, तो मैं लूट के यहाँ पे आता हूँ। और यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ इतने में ही इसके टीममेट के मुझे फुटस्टेप आने लगते हैं। और यहाँ पे मैं एक स्मोक का पिन खींचता हूँ ताकि वो उसको लगे कि भाई मैं नेड की पिन खींच रहा हूँ, और वो नीचे कूदे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अब यहाँ पे ये बंदा भाई पता नहीं कहाँ से मारता है और मेरे टीममेट को डैमेज दे देता है। वो डैमेज देते ही मेरे ऊपर रश करता है, और भाई फाइनली इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया और इसकी सीधा पेटी बनाएंगे। और यहाँ पे अभी मैंने इस टीम के 3 बंदों को नॉक कर दिया है, जिसमें से कि 2 बंदों को फिनिश भी कर दिया। बच चुका है इस टीम का लास्ट बंदा, मुझे लगता है कि लास्ट बंदा यहाँ पे है, क्योंकि हल्के से फुटस्टेप आ रहे थे मेरे को। और भाई इसी के साथ ये लास्ट बंदे की जो हम लोग पेटी बना देते हैं, और इस बेचारे के पास भाई क्रॉसबो ही रहता है। लेकिन इतने में यहाँ पे एक बोट दादा आ जाते हैं, तो इनकी भी पेटी बनाते हैं यार। अब इन बोट दादा को मैंने जैसे ही मारा ना, इतने में इनको लूटने लगता हूँ, क्योंकि भाई इनके पास M4 रहती है। लेकिन भाई इतने में देखो भाई साहब, यहाँ पे मैं मरते मरते बचा, मेरे टीममेट को इस बंदे ने तो नोक कर ही दिया था, और इस बंदे ने मेरी एचपी देखो क्या ही छोड़ी है। तो भाई मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि सबसे पहले इस बंदे को मार लिया जाए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एक ही बंदा है। लेकिन भाई जैसे राइट की तरफ जाता हूँ तो मुझे भाई 2-2, 3-3 बंदे के फुटस्टेप आने लगते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ और मेरे टीममेट को रिवाइव देता हूँ। क्योंकि भाई अगर मैं वहाँ पे नोक हो जाता तो नोक नहीं होता, डायरेक्ट पेटी बनती, क्योंकि मेरा टीममेट जो है भाई नोक था, ठीक है। इसलिए सबसे पहले मेरे टीममेट को रिवाइव दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे आया। और यहाँ पर मैं जैसे ही आया तो उस बंदे के जो है मुझे फुटस्टेप आने लगे, और वो बंदा मेरे पर कूद के रश करने लगा। अब यहाँ पे मैंने ये वाली टीम के भाई 2 बंदों को नॉक कर दिया है, जिसमें से कि एक की पेटी बना दी है, और अभी एक की पेटी बनाना बाकी है। तो लो भाई, इसी के साथ ये बंदे की भी पेटी बन गई, और लास्ट बंदा ऊपर की तरफ है। और गाइस, मैं तुमको सही बता रहा हूँ, इन बंदे का मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि भाई सेवर्नी में एक टीम के अलावा भी एक टीम है। क्योंकि जब हम लोग सेवर्नी में लैंड कर रहे थे तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही टीम दिखी थी, लेकिन भाई ये टीम पता नहीं कैसे आ गई हम लोग के ऊपर रश करने के लिए। लेकिन यार बच गए कैसे ना कैसे करके। लेकिन यहाँ पर मैं जैसे ही आया तो एक बोर्ड दादा और आ जाते हैं, और इसके साथ भैया पूरी की पूरी सेवर्नी जो रहती है वो क्लियर हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं, और सेवर्नी से निकलने के बाद हम लोग सीधा आ जाते हैं रोजो की तरफ। पहले हम लोग को लग रहा था यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन इतने में राइट की तरफ से भैया स्कारल वगैरह चलने लगती है। और देखो अब यहाँ पे क्या सीन होते हैं। नहीं, नीचे है, ऊपर कहाँ से। दोनों तरफ है,
पड़ गया उसको, बहुत कस के वो भी पूरा खून हो गया उसका। जो आप लोग को सामने की तरफ एक बंदा दिखा ना, उस बंदे को मैं आराम से मार देता अगर मेरे पास रेड डॉट या होलो वगैरह होता, लेकिन यार ये 2x के कारण जो है वो बंदा बच गया, क्योंकि यहाँ पे मेरी सेंसिटिविटी उतनी अच्छी नहीं थी। और भाई उसी बंदे के कारण यहाँ पर मैं नॉक हो जाता हूँ। अगर उस बंदे को मैं नॉक करता ना तो सीधा उसके ऊपर रस करता, नहीं तो भाई राइट से मैं रस नहीं करता। और राइट से मैं जैसे ही रस किया तो भाई राइट वाले बंदे ने मुझे डैमेज दे दिया, और डैमेज हुआ तो मेरी वेस्ट जो है पूरी खत्म हो गई। और अंदर जैसे ही आया तो इसे AKM वाले बंदे ने मुझे एक गोली मारी और मुझे नॉक कर दिया। और गाइस तुम सोचो यहाँ पे अगर मैं नॉक नहीं होता तो भाई मुझे 3 किल मिल जाते ना, और 3 किल अपने खाते में जुड़ जाते। लेकिन यार क्या ही कर सकते, किस्मत जो है बहुत ज्यादा खराब थी। अब खैर हम लोग उसके बाद ये वाली जगह पे आते हैं, और ये वाली जगह पे हम लोग जैसे ही आते हैं इतने भैया कोई ऊपर की तरफ से बोट स्कैम करने लगता है। इसका ध्यान नहीं है, बैठा है लेकिन यहाँ पे भाई सचमुच के 2 बोट रहते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे एक बंदा रहता है जो कि ऑफलाइन रहता है, जो भाई ये 2 बोट दादा मिलके मार रहे थे उस अकेले बंदे को। अब क्या ही कर सकते हैं, उन बोट दादा को पेलने के बाद हम लोग ये वाली जगह पे आते हैं, और अपार्टमेंट से मुझे मेरे टीममेट को जो है एक फ्लेयर मिल जाती है। तो मेरा टीममेट यहाँ पे फ्लेयर चलाता है, और अब यहाँ पे देखना भाई कितनी सारी टीम आने वाली है, और यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा गलत सीन होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले तो यहाँ पे एक बोट दादा आए, अब इनको जैसे ही पहला उतने में एक टीम आई, देखो अब आ गए ड्रॉप टू। सिंगल बंदा है ये तो, ये 2 बंदे दो दिख गया मेरे को, ये कूदा और यहाँ पे आप लोग ने अगर मेरे टीममेट की आवाज़ सुनी होगी अच्छे से, तो उसने पहले बोला सिंगल बंदा है, फिर उसके बाद भाई बोला 2 बंदा है, और 2 बंदा जैसे ही बोले मेरे टीममेट ने तो मैं आगे वाले बंदों के ऊपर रश करता हूँ। लेकिन यहाँ पे भाई जैसे ही आता हूँ तो पता लगता है कि यहाँ पे 2 बंदे हैं, और एक पीछे वाला जो बंदा रहता है वो मेरे को नॉक कर देता है। लेकिन भाई अच्छी बात ये रहती है कि यहाँ पे एक बंदा नॉक हो जाता है, जिसके कारण ये बंदे जो है हमारे ऊपर रश नहीं करते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे जैसे ही मैं रिवाइव हुआ, इतने में एक टीम और आ जाती है यहाँ पे, रिवाइव करेगा ये शायद। ये भी नॉक हुआ, ये तो अलग स्क्वाड है। अब यहाँ पे देखो इस टीम के भाई 2 बंदों को मैंने नॉक कर दिया है, बचा है सिर्फ लास्ट बंदा। चाहता तो मैं उन बंदे के ऊपर रश भी कर देता, लेकिन भाई अगर मैं वहाँ पे जाता और मान लो मेरी पेटी बन जाती तो भाई कौन बचता, कोई नहीं बचता ना। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने टीममेट को रिवाइव दिया और फिर उसके बाद इन बंदों के ऊपर रश किया। गाइस लास्ट बंदे के साथ में पूरी की पूरी टीम की जो हम लोग पेटी बना देते हैं। और गाइस अगर आप लोग तो भाई ये वाला क्लच आप लोग को पसंद आया तो भैया बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, और आप लोग ने सब्सक्राइब करके रखा है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आजकल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना ही लाइक कर रहे हो। फिर उन बंदों को मारने के बाद यहाँ से हम लोग जा ही रहे थे, तभी हम लोग को पीछे की तरफ एक ऑफलाइन बंदा दिखता है। यहाँ पे मैं अपनी बग्घी घुमाने लगता हूँ, लेकिन तभी देखो क्या स्कैम होता है। और भाई यकीन मानो वो बंदा मुझे ऑलमोस्ट ले गया था, अगर यहाँ पे मेरी हेड कनेक्ट नहीं होती ना उस बंदे को M4 की, तो भाई सच में यहाँ पे मेरी पेटी बन जाती और हम लोग मजाक ही मजाक में इस गेम को छोड़ देते। अब खैर यहाँ पे मैंने जैसे इस बंदे को मारा तो हम लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी भाई हम लोग को सामने की तरफ एक टीम दिख जाती है और हम लोग उनके ऊपर रश करने के सोचते हैं। पहले हम लोग को लग रहा था कि भाई टीम में मतलब गाड़ी में 2 ही बंदे होंगे, लेकिन भाई जैसे ही हम लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं तो देखो marked a location।
भाई पीछे की तरफ से बहुत ही खतरनाक वाला स्प्रे आता है और मेरे को पता लग जाता है कि वहाँ पे कम से कम 3 या 4 बंदे तो होंगे। और ऐसा मेरे को कब पता लगता है, जब मैं आगे की तरफ जाता हूँ और स्कोप खोल के देखता हूँ। तो देखो सामने की तरफ मुझे एक नोक बंदा दिखता है और 3 बंदे उसको जो है कवर दे रहे थे, 1 बंदा उसको रिवाइव दे रहा था, जिसमें से कि 1 बंदे को मैं नोक कर देता हूँ। यानी कि भाई वहाँ पे एक टीम रहती है और वो एक टीम जो रहती है वो भाई इन बंदों को फिनिश कर देती है। लेकिन अभी वहाँ पे जो टीम है उनके ऊपर हम लोग रश कर देते हैं। भाई यहाँ पर भी हमारे जो है किल रहते हैं वो भाई चोरी हो जाते हैं हमारी गलती के कारण। अगर हम लोग इन पे रश करते तो भाई हम लोग को 4 किल और मिल जाते और ये वाली टीम को भी हम लोग शायद से मार देते हैं। तो यार क्या ही कर सकते, किस्मत में लिखे ही नहीं है भाई 30 किल, और बहुत दिनों से 30 किल भी नहीं हुए। अब खैर यहाँ पर बच चुका है लास्ट बंदा और उस लास्ट बंदे को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। तभी भैया वो लास्ट बंदा जो है राइट की तरफ से वाइजन चलाता है और भाई यकीन मानो वो बंदा इतना ज़्यादा खतरनाक खेल रहा था ना, क्या ही बताऊँ। अगर उसके पास वाइजन के अलावा कोई और गन होती ना तो वो बंदा मेरी पेटी बना चुका होता। तुम देखो ऊपर है ना यहाँ कहीं मार्क्ड लोकेशन, लेटा आराम से, अभी फायर हो गया उससे गलती। मेरा टीममेट बोलता है कि यहाँ कहीं बंदा लेटा है, तो यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ वो बंदा तो मुझे यहाँ तो नहीं दिखता, लेकिन जैसे मैं पीछे की तरफ नजर मारता हूँ तो मुझे हल्का सा वो बंदा स्पॉट हो जाता है। और अब देखो उसको कैसे पेलते हैं जरा। और भाई जरा HP पे नजर मारो भाई, क्या ही खत्म HP बची है। तो बस यार गाइस आज की वीडियो में इतने तक। इस वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, मेरे भाई चैनल पे नए हो तो भैया सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि यार मैं ऐसे ही रेगुलर वीडियो डालता रहता हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में यार। जब तक लेट थैंक्स फॉर वॉचिंग।